स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताने वाला हूं। जैसा कि आज के डेट में अगर आप देखा जाए तो नई गाड़ी से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कहना चाहिए। पुरानी गाड़ी सेकंड हैंड गाड़ी अगर अपन लेते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है और उसमें आपका ज्यादा पैसा भी नहीं खराब होता। और बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि नई गाड़ी का ही मजा आपको मिलेगा। अब ये सब मेरा बताने का मतलब ये है, जैसे कि अगर अपन सेकंड हैंड गाड़ी देखने जा रहे हैं, अगर अपना मूड बन ही गया है तो किन बातों का ध्यान रखना है वो सब तो खैर आप लोगों को कई लोगों को पता होता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर आप गाड़ी ड्राइव करके, जैसे कि बाहर से एक्सटीरियर वगैरह देख रहे हैं सब बढ़िया चकाचक लग रहा है, सब सही है, टायर हो गया और हर एक चीज इंजन वगैरह आपको ऐसे बाहर से चेक कर रहे हैं तो सही लग रहा है, लेकिन असली मजा जैसे गाड़ी ले रहे हैं तो आपको कहीं ट्रेवल करना है, या मेन गाड़ी का मतलब होता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह अच्छे से जा पाए। तो मेन क्या होता है कि आप गाड़ी सेकंड हैंड जब ले रहे हैं तो बात यह है कि ड्राइविंग करने के टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और सस्पेंशन सही हो, इंजन सही हो और ओवरऑल गाड़ी एक्सीडेंटल ना हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि आप गाड़ी ड्राइव करके कैसे पता लगा सकते हैं कि गाड़ी का सस्पेंशन, स्टीयरिंग और इंजन गियरबॉक्स सही है कि नहीं है। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, देखिए आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे गाड़ी, उसके बाद जब आप ड्राइव करेंगे आपको एक कॉन्फिडेंस अपने आप आना चाहिए गाड़ी ड्राइव करने के टाइम कि हाँ स्टीयरिंग का फीडबैक आपको सही मिल रहा है। जैसे कि आप जितना स्टीयरिंग मोड़ रहे हैं उतना ही स्टीयरिंग मोड़ रहा है, गाड़ी मोड़ रहा है उतना ही। और ब्रेकिंग वगैरह चेक करिए कि ब्रेक लगा रहे हैं तो जो ब्रेक का बाइट है वो प्रॉपर लग रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप ब्रेक लगा रहे हैं कुछ टाइम बाद लग रहा है, तो उसमें कई बार क्या होता है कि जो ब्रेक बूस्टर रहता है वो सब में प्रॉब्लम होगा, इसलिए ऐसा कुछ हो सकता है। तो आप ब्रेक वगैरह लगा के देखिए कि सही से लग रहा है कि नहीं। और गियर वगैरह एकदम स्मूथ होना चाहिए, जैसे कि आपको चाहे पेट्रोल गाड़ी हो चाहे डीजल गाड़ी हो, गियर आपको एकदम स्मूथ रखना चाहिए। कोई भी ऐसा मतलब फर्स्ट से लेके पूरा टॉप गियर लगा के देखिए, कहीं पर भी आप जब गियर लगाते हैं हल्का सा भी अटकना नहीं चाहिए, 1% भी नहीं अटकना चाहिए। अगर वो अटक रहा है गियर, मतलब कि फिफ्थ, जनरली फोर्थ या फिफ्थ गियर, जिसमें भी कोई भी एक गियर भी अटक रहा है, मतलब कि ये है कि वो गाड़ी में गियर बॉक्स में प्रॉब्लम है या फिर क्लच प्लेट चला गया है उसका। क्लच प्लेट अगर चला गया है तो फिर आपको पिकअप भी ड्रॉप लगेगा और क्लच या तो बहुत हार्ड हो जाएगा ऐसा लगेगा, या तो बहुत सॉफ्ट हो गया है अंदर चला जा रहा है ऐसा आपको कुछ लगेगा। तो जैसे कि और जब आप गाड़ी को उठाते हैं, एक्सीलेट कर रहे हैं, तो एक इंजन का कॉन्फिडेंस आपको फील होना चाहिए। जैसे मैं एक्सीलेट कर रहा हूं, कुछ भी एक्स्ट्रा साउंड नहीं आना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बेल्ट वगैरह का कुछ साउंड आ रहा है जब आप एक्सीलेट कर रहे हैं, उस टाइम में आ रहा है, ड्राई सॉफ्ट हो गया उसका साउंड आ रहा है, ये सबको आपको देखना है। अब ये तो हो गया, गियर लगाएंगे तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा कि इंजन सही है कि नहीं है जब आप ड्राइव कर रहे हैं। उसके बाद आप म्यूजिक सिस्टम वगैरह ऑफ कर दीजिए और ध्यान से सुनिए कि गाड़ी में कहीं से कोई एबनॉर्मल सा साउंड तो नहीं आ रहा है। जैसे कि आप नॉर्मल फिफ्थ गियर लगा लीजिए, उसके बाद आप देखिए कि कोई साउंड तो नहीं है, कहीं से कोई साउंड आ रहा है। देखिए ये छोटी छोटी बात अगर आप नोटिस करेंगे, हालांकि कोई बड़ा बात भी नहीं है, लेकिन आप ये छोटा छोटा बात को अगर आप नोटिस करके, अगर आप वो गाड़ी के ओनर हैं या जिनसे भी आप गाड़ी ले रहे हैं उनको बताएंगे तो अच्छा खासा आपको डिस्काउंट या फिर एक छोटा सा पॉइंट भी अगर आपको मिल जाता है तो उससे ये बेनिफिट हो जाता है। तो आप एकदम देखिए आपके लिए भी फायदेमंद है उसमें और आपको नॉलेज भी हो जाएगा कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। अब मेन गाड़ी का इंजन के बाद आता है कि स्टीयरिंग हो गया, सस्पेंशन गाड़ी का। तो सस्पेंशन चेक करने के लिए या तो आपको गाड़ी लिफ्ट करा के देखना पड़ेगा पूरा, और उतना आपको अगर टाइम नहीं है या फिर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है गाड़ी को लिफ्ट कराना, तो आपको मैं आज का मेन जो ट्रिक है वो बताने वाला हूं कि आप गाड़ी ड्राइव करते ही कैसे पता लगा सकते हैं कि गाड़ी का सस्पेंशन सही है कि नहीं है। आप हल्का सा स्टीयरिंग को लेफ्ट राइट ऐसे टर्न करके देखिएगा,
ऐसे जैसे आपको कैमरा में उतना नहीं लग रहा होगा, पता नहीं चल रहा होगा, स्टीयरिंग को मैं जैसे हल्का हल्का टर्न कर रहा हूँ, तो इस टर्निंग करने में कोई भी साउंड नहीं आना चाहिए, जिससे सस्पेंशन का आइडिया हो जाता है। और जो मेन जैसे कि बुशिंग वगैरह जो सस्पेंशन में होता है उसके बारे में आपको पता करना है, तो आपको मैं एक मतलब जो मेन टेक्निक है वो बताने जा रहा हूँ। आप एक सेकंड में गाड़ी का सस्पेंशन का पूरा पता लगा सकते हैं। आप गाड़ी को नॉर्मल 40-50 के स्पीड में ले जाइए, गाड़ी को न्यूट्रल कर लीजिए और स्टीयरिंग छोड़ के, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्टीयरिंग को छोड़ दीजिएगा और ब्रेक लगाइएगा। जैसे ब्रेक लगाया मैं, देखिए गाड़ी ना मेरा राइट गियर ना लेफ्ट गियर, एकदम स्ट्रेट जाके गाड़ी रुक गया, मतलब कि सामने का सस्पेंशन गाड़ी का एकदम ओके है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर सस्पेंशन बूसिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम रहता तो देखिए, जब बूस कट जाता है तो जिस साइड का कट गया उस साइड गाड़ी को खींचने लगता है, और टायर फिर अलाइनमेंट वगैरह का भी प्रॉब्लम रहता है। आप गाड़ी ड्राइव करेंगे, आप अलाइनमेंट 2-3 बार भी करा लेंगे, फिर से वो आउट हो जाएगा, कोई भी मतलब ही नहीं होगा। एक टेक्निक और मैं आपको बता रहा हूँ सस्पेंशन चेक करने का, जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको मतलब पहले तो जैसे 5-सीटर कार है तो 5 लोग आराम से बैठ जाइए गाड़ी में, और आप देखिए कि गाड़ी में जरूरत से ज्यादा गाड़ी ऐसे मतलब सस्पेंशन उसका खेल थोड़ी रहा है, ऊपर नीचे अप डाउन, मतलब कि जरूरत से ज्यादा। हालांकि रोड जैसा मान लीजिए एक बार रोड ऐसा डाउन है तो गाड़ी का सस्पेंशन एक ही बार डाउन होना चाहिए, अगर वो 2-3 बार ऐसा ऐसे हो रहा है मतलब कि वो गाड़ी का जो सस्पेंशन सेटअप है उसमें से ऑयल वगैरह लीक हो चुका है और वो अच्छा खासा आपको काम मांगने वाला है। बुशिंग प्रॉब्लम नहीं है, सस्पेंशन का प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो एक्सीलेट करके आपको ब्रेक लगाने वाला मैं बताया हूँ स्टीयरिंग छोड़ के, उसमें आपको पता चल जाएगा कि बुशिंग प्रॉब्लम है कि नहीं है गाड़ी में। तो ये सब कुछ बातें आपको ध्यान रखना है, अच्छे से चेक करिए कि बॉडी लाइन कैसा है, कहीं डेंटिंग वेंटिंग तो नहीं है, और एक मतलब एक फिनिशिंग से आपको लगना चाहिए कि हाँ एक सिस्टमेटिक सब लग रहा है, जिस जगह में जैसा होना चाहिए वैसा ही है। अगर कुछ भी एबनॉर्मल सा आपको गाड़ी में फील होता है तो आप तुरंत ओनर से या जिनसे भी गाड़ी ले रहे हैं उनसे बात कर सकते हैं कि ऐसा कुछ क्यों है। और स्टीयरिंग का जैसे कि मैं बताया हूँ, आप लेफ्ट राइट ऐसे टर्न करके देखिएगा, कहीं से भी कोई साउंड आता है तो आप समझ जाइए कि गाड़ी में काम है, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, या ज्यादा काम नहीं है तो उसका रेट अच्छा खासा डिस्काउंट भी कर सकते हैं। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। हालांकि आपको उतना भी नॉलेज नहीं है तो एक काम करिए, कोई अच्छा मैकेनिक ले जाइए अपने साथ, और आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो अच्छी बात है, और जो मैं बताया हूँ उससे भी आपको फायदा होगा ही। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, जैसे कि एक टायर कोई भी रोड से हल्का सा नीचे करिए और फिर रोड में चढ़ाइए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए काफी इजिली गाड़ी नीचे भी गई और ऊपर भी चढ़ गई। इसका मतलब ये है कि गाड़ी में सस्पेंशन में कोई भी काम नहीं है। देखिए गाड़ी का मेन क्या है, इंजन है और सस्पेंशन, ये दो चीज अगर में काम है तो आपको ड्राइव करने में बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है, कहीं ना कहीं वो आपका ड्राइविंग खराब करेगा ही, आज नहीं तो कल। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। बाकी तो आप जो मैं बताया हूँ वो सब देख के ले सकते हैं गाड़ी, अगर आपको समझ में आ रही है तो। ये कुछ छोटा सा मैं ड्राइविंग टिप्स देना चाह रहा था, जो ड्राइव करते हुए आपको ध्यान रखना है। एसी वगैरह ऑन करके देखिए गाड़ी का एसी ऑन है, प्रॉपर कूलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हेडलाइट वगैरह देखिए, और हेडलाइट का जो हाई बीम लो बीम का स्विच है वो प्रॉपर वर्क करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप गाड़ी तो इतना मतलब जल्दबाजी में ले लिए, लेकिन ये जो इंडिकेटर वगैरह का स्विच रहता है ये सब वर्क नहीं करता। और मैं बताना चाहूंगा, गाड़ी में इंजन में जितना काम रहता है, मान लीजिए कोई काम निकलता है, ठीक वैसे ही अगर आपके गाड़ी में इलेक्ट्रिकल कोई काम है तो उसमें भी अच्छा खासा खर्च होता है, जैसे वाइपर काम नहीं कर रहा है या हेडलाइट या फिर हॉर्न नहीं बज रहा है, तो ये सब चीज भी आपको खर्च करवा सकती है, और ये सब चीज से भी आप डिस्काउंट करवा सकते हैं। तो ये सब बातें को आपको ध्यान रखना जरूरी है। कई बार ऐसा भी होता है, एक बात मैं और बता देता हूँ, रोड के वजह से भी गाड़ी एक साइड खींचती है, जैसे कि अभी थोड़ा सा स्लोप है, अब यहाँ पर मैं देखिए स्टीयरिंग छोड़ रहा हूँ, गाड़ी अपने आप लेफ्ट साइड टर्न हो रही, तो ये चीज नहीं है, ऐसा होता है। जिस साइड गाड़ी का झुकाव रहेगा, ग्रेविटी जिस साइड रहेगा, गाड़ी उस साइड जाएगी। अभी जैसे मैं ब्रेक लगाऊंगा तो भी गाड़ी देखिए लेफ्ट साइड टर्न हो जा रहा है,
तो ये है कि अगर रोड ही वैसा है तो वो चीज अलग बात है, आप प्लेन रोड में चेक करिएगा उसको, जो मैं टेक्निक बताया हूँ। बाकी जिस साइड झुकाव रहेगा गाड़ी उस साइड ही जाएगी, तो ये भी है आपको जब चेक करना है तो प्लेन रोड में ही चेक करिए उसको। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड ये छोटा सा जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी टाइप का कंटेंट आपको इस चैनल में देखने को मिलते रहेगा। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।